अज सिख कौम का बहुत महान शहीदी दिवस है। जब संत सिंह भिंडरांवाले ने ते बाकी दे लीडर ने 6 जून नो इंडिया की फौज, बरतानिया की फौज ते सोवियत रूस की फौज 72 घंटे अंदर दरबार साहब दे विच वड़न नहीं दित्ती है। 72 घंटे छोटे नहीं हुंदे। बरतानिया रूस ते इंडिया फौज दे कोले परमाणु हथियार सीगे। दरबार साहब दे विच इंडियंस ने टैंक भी लियांदे, मोर्टर्स भी लियांदे, आर्टिलरी भी लियांदी, स्पेशल फोर्सेस भी लियांदे, पर जेड़ा मशहूर अंग्रेज़ां दे टाइम दा लड़ाई है सारा गढ़ी, जेड़ी सिख पलटन ने अफगाना दे खिलाफ़ लड़ी सी, उहदे विच भी आखिरी सिख जवान शहीद हो गया सी। पर उस तो किते वड्डी लड़ाई ये दुनिया दी कि जेड़े फौजी नहीं सी तोड़े मेरे वर्गन दे सीगे, उन्होंने पहले जंग वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर दे असले दे नाल 3 परमाणु हथियार फौजा जेड़ियां लांच सीगियां उन्होंने लड़ाई दित्ती। किसी भी प्रोफेसर ने फौज दे अफसर ने सारा गढ़ी बारे तो लिखिया पर अजे तक ये नहीं लिखिया कि केड़ियां केड़ियां फौजा ने इत्थे उदण हमले किए, साडे बच्चे शहीद किए, बीबियां शहीद कीतियां, सरोवर का रंग लहू दे नाल लाल हो गया सी। और उस वेले जैल सिंह फौजां दा कमांडर इन चीफ सी, उसका हौसला नहीं पिया कि मैं फौज नूं कहां कि तुसी दरबार साहब दे उत्ते हमला नहीं कर सकते हैगे, सारे दिल छड गए सीगे। लौंगोवाल, बादल तौड़ा तलवंडी, बिनवंत सिंह सारे इन्होंने इंदिरा गांधी नूं कहा जाके कि वो साध है तुसी सिर्फ फौज बाहर ला दो तो वह हथ खड़े करके आजूगा। पर संतां ने इहो जे लोहे दे दाणे चकाए इन्हां नूं कि इतिहास याद रखूगा। और सिखां दा मोर्चा सदियां तक बच्चे पढ़ पढ़ के इस नूं रोशनी दे विच लियाउणगे कि साडे बजुर्गां ने 3 परमाणु हथियार लांच फौजां दे नाल 303 राइफलां दा नाल मुकाबला कीता। इस तों पहलां बंगलादेश की लड़ाई दे विच जनरल शबेक सिंह ते जनरल जगजीत सिंह अरोड़े ने पाकिस्तान की फौज दे 90,000 फौज कैद कर ली सी। अज फौज दे विच हिंदुत्व ने कोई सिख जरनैल नहीं लाया, सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई सिख जज नहीं है, हाई कोर्टां दे विच कोई सिख चीफ जस्टिस नहीं है, कोई वड्डा वजीर सिख नहीं है। सिखां नूं हुकूमत तो दूर रखिया गया, इहदे सिट्टे माड़े निकलणगे जे सिखां नूं इस तरह
तुसी इन्हां नूं वर्तारा करदे रहोगे। सिख है जिन्होंने अब्दाली नूं 1762 दे विच पूरी शिकस्त दे के वापस अफगानिस्तान भेजा सी। उस तो बाद अफगानिस्तान दे राहीं कोई हमलावर नहीं आया, पर अज सिखां नूं ये मोदी सरकार कांग्रेस सरकार टके दी नहीं समझदी। पर हुण राहुल गांधी गया सी अमेरिका, उहदे कट्ठ दे विच सिखां ने दब के भाग लिया ते खालिस्तान दे नारे मारे। मैनू बाहर नहीं जान दिंदे, ना कश्मीर जान दिंदे है। बेशक तुसी मैनू अपना MP बनाया, मैनू तुसी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट दवाया, पर राहुल गांधी ते होर जा सकदे है, पर तुहाडा नुमाइंदा सिमरनजीत सिंह मान हिंदुस्तान दी हद दे अंदर तड़िया होया है। ये हिंदुस्तान दा अज ये प्रिजनर है। सो मैं आस कर दें कि SCPC दे इलेक्शन आ रही है, तुहाडा हरेक दा हक है कि अपने वोट बनाओ। आपां SCPC दे विच आईए, फिर कानून दे राहीं अपने अकाल तख्त दे जथेदार तैनात किए जाण, ते 328 सरूप जिहड़े गबन करते SCPC ने, ते बरगाड़ी दे विच जिहड़ा जुल्म होया अजे तक ना सुखबीर सिंह नूं, समेत सैणी नूं, सरसे दे साध नूं फड़िया गया। सो सिखां दे जिहड़े धार्मिक नुकसान होए है 32-32 सालां तो सिख बंदी बन के जेलां विच डके होए है, अमृतपाल सिंह ते उहदे साथियां नूं असाम ले के चले गए है, इन्नी दूर जिवें अंग्रेज़ आज़ादी घलाटियां नूं काले पानी निकोबार आइलैंड लेके जांदे सीगे। साडे नाल जो कुछ हो रहा है इहदे नतीजे हुकूमत नूं भरने पैणगे, और मैं तुहानूं सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती करदा कि आपां ने सरकारां दे नाल मिल वर्तन नहीं करना। जे तुहानूं फौज जां पुलिस जां सरकार दा हाकम पुछे कि जलंधर नूं राह कहड़ा है, तुसीं बटाले दा राह दिखा देना। सिद्धा राह दिखाउणा ही नहीं, इहदे नाल ना मिलण वरतों जदों हो गया फिर इहनां नूं पता लगूगा कि साडे नाल की हो रहा है। वाघे दा बॉर्डर व्यापार दे लई खुलना चाहिए, जिहदे नाल साडे लाले बाणीए साडे जिमीदार अपनियां जिनसां नूं बाहर दे मुल्कां 'च भेजण, साडी ट्रांसपोर्ट वधे, साडे 46 लाख नौजवान ट्रांसपोर्ट दे विच नौकरी करन, ते असीं फैलीए और सारी दुनिया दे विच साडा व्यापार जावे। कल मैं अमृतसर जेल दे विच गए, उत्थे पता ले के आए किवें बंदी रखे जांदे है, और अजे तक साडे हस्पतालां दे विच डाक्टर नहीं है, डाक्टर साडे कस्बियां दे विच है नहीं गे। ये सरकार ने वादे किए है कि हॉस्पिटल चलणगे, पर डाक्टरां नर्सां तो बगैर हॉस्पिटल बिल्कुल साढ़े नहीं चल रहे। अपने मन दे विचों डर ना लेना चाहिए, रोज़ 5 मील तुरना, हौली हौली भजना चाहिए, तरना चाहिए,
अज की किया जथेदार साहब ने साडे दर्शन ददार जेडे पाकिस्तान दे गुरद्वारे रह गए है उन्हां दे दर्शन ददार हुंदे रहन ते की आपां नूं सिर्फ परमिट चाहिए जाण नूं आपां नूं तरना हुंदा है आपां नूं भजना हुंदा है आपां रावी दा दरिया पार करके नहीं जा सकते अपने गुरद्वारियां नूं जा सकते हैं जे मैनू अगे लाउणा है मैनू ला लिओ हरेक सिख नूं पता होना चाहिए किवें तरीदा ते जाके दर्शन करके वापस आ जाओ साडी धरती है कोई इहदे च गुनाह नहीं है कोई इहदे च दोष नहीं है जदों अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने अज अरदास करती कि दर्शन ददार साडे पाकिस्तान दे गुरद्वारियां दे हुंदे रहन फिर अकाल तख्त वड्डा है कि इत्थों दी सरकार वड्डी है सो मैं आस करदा कि हुण आपां थकड़े हो के आज़ादी की लहर नूं लै के अपने आप नूं आज़ाद करांगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।